असलम फ्रेंड्स वेलकम टू कट काट शॉट आज हम करने वाले हैं जी लेसन नंबर सेवन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस टी एस सिक्स थ्री जीरो वो के जो कि है रिसर्च मैथड तो चले जी आ, आज तो मैं धड़ाधड़ धर वीडियोस फेंक रही हूँ तो हम करते हैं लेसन स्टार्ट आप कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बात करते हैं हाइपोथिस की हाइपोथिस होती है कि ऐसी प्रो, प्रोपोजिशन जो कि टेस्टेबल होती है जो वेरीफाइबल होती है कोई भी हम एक ऐसी स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट देते हैं जिसको हम बाद में चेक कर सकें कि आया वो सही है या गलत है कोई ऐसा एक रिलेशनशिप बताते हैं जो कि सही हो सकता है गलत हो सकता है कोई पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप बताते हैं जो कि सही हो सकता है गलत हो सकता है यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स वो कहते हैं कि हाईली कमिटेड हैं अपने काम में अब ये एक स्टेटमेंट है जो कि चेक की जा सकती है उनके काम से लेवल ऑफ़ जॉब कमिटमेंट ऑफ़ द ऑफिसर इज़ एसोसिएटेड विद दियर लेवल ऑफ एफिशिएंसी उनकी कमिटमेंट से उनकी एफिशिएंसी का ताल्लुक है ठीक है कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद दियर लेवल ऑफ एफिशिएंसी जॉब के जो उनका कमिटमेंट का ताल्लुक है उसका पॉजिटिव ताल्लुक है एफिशियंसी के साथ दोनों बढ़ती हैं या दोनों घटती हैं एक डायरेक्शन में मूव करती हैं हायर द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफ़िसर द लोअर दियर लेवल ऑफ एबसेंटीज एंड जितना ज़्यादा उनका कमिटमेंट का लेवल होगा उतनी ही उनकी कम एबसेंडीज़ होंगी दिस शोज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप आगे चलते हैं जी टाइप ऑफ हाइपोथिस हमारे पास पांच डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है यूनी वेरिएंट होता है एक सिंपल स्टेटमेंट होती है कि जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसज कमिटेड हैं ठीक हो गया जी रिलेशनल हाइपोथिस में वाइड वेराइटी आ जाती है इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं दो से ज़्यादा हो सकते हैं डायरेक्शनल हो सकते हैं नॉन डायरेक्शनल हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं कोरिलेशनल हो सकते हैं अब हम इन सब को इन स्टडी uh, करेंगे रिलेशनल हाइपोथेसिस के अंडर ठीक है वो कहते हैं थ्री और फोर हाइपोथेसिस जो है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है और जो टू uh, है वो आपका कोरिलेशनल uh, रिलेशनल है हम इन्हें बारी बारी अब देखते हैं आई गेस टू वाला कोरिलेशनल था कोरिलेशनल हाइपोथेसिस को रिलेशनल हाइपोथिस को हम थोड़ा वीक स्टेटमेंट का समझते हैं क्योंकि इसमें हम ये नहीं बताते कि कौन से कौन सा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा किसको अफेक्ट कर रहा है हम ये क्लेम नहीं करते जैसे कि हमने ऊपर ये कहा कि लेवल ऑफ़ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एफिशिएंसी मतलब ये कि ऑफिसर्स की कमिटमेंट का एक पॉजिटिव ताल्लुक है एफिशेंसी के साथ अब ताल्लुक़ है हमने ताल्लुक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हम ये नहीं कह रहे कि कमिटमेंट एफ, एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रही है एफिशिएंसी कमिटमेंट को अफेक्ट कर रही है ठीक है हमने ये टर्म नहीं यूज़ की फिर आते हैं एक्सप्लेनेटरी कैजुअल हाइपोथेसिस एम्प्लाय द एग्जिस्टेंस ऑफ और अ चेंज इन वन वेरिएबल कॉज और लीड टू अ चेंज इन द अदर वेरिएबल अब इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारी किस चीज़ से दूसरी चीज़ का ताल्लुक है हाई मोटिवेशन कॉज हाई एफिशिएंसी हाई मोटिवेशन लीड्स टू हाई एफिशंसी मुख्तलिफ लफ्सों का चुनाव मुख्तलिफ है लेकिन हम बता रहे हैं कि मोटिवेशन से एफिशेंसी बढ़ रही है और आ, दोनों में यही हम बता रहे हैं लफ्सों का इस्तेमाल मुख्तलिफ है नल हाइपोथेसिस हमारे पास है तीसरी टाइप नल हाइपोथिस वो होता है जिसमें दो वेरिएबल्स का आपस के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं होता जीरो रिलेशनशिप होता है दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं साइन बताया हुआ जो यूज़ किया जाता है एम सी के लिए इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशंसी नॉट ओनली देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स अंडर स्टडी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप इज परफेक्ट विच इज़ इंडिकेटेड बाई द नंबर वन ठीक है पॉजिटिव रिलेशनशिप को वन से रिप्रेजेंट करते हैं नल को ज़ीरो से करते हैं ये अल्टरनेटिव ऑफ सॉरी ऑपोजिट ऑफ नल होता है ठीक है

डिस्क्रिप्टिव uh, में हमारे पास बिल्कुल एक वेरिएबल होता है रिलेशनशिप में हमारा रिलेशनशिप uh, होता है मज़ीद हम कुछ मेंशन नहीं करते उसमें हमने को देखा जिसमें हम लोग ये नहीं बताते कि कौन सी चीज़ किसको अफेक्ट कर रही है एक्सप्लेनेटरी में हम ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ किसको अफेक्ट कर रही है नल हाइपोथसिस में हमारे पास कोई भी ताल्लुक़ आपस में नहीं होता और अल्टरनेट में हम क्या करते हैं कि हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ जो जो रिलेशनशिप है उसको हम बताते हैं मतलब इसका ताल्लुक ऊपर वालों से नहीं है अल्टरनेटिव इज़ काइंड ऑफ अपोजिट टू नल नल में हमारे पास कोई ताल्लुक नहीं होता अल्टरनेटिव में हमारे पास ताल्लुक़ होता है ठीक है रिसर्च हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस इज द एक्चुअल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड बाय द रिसर्चर व्हिच मे आल्सो सजेस्ट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इसमें हम नेचर भी बताते हैं कि कौन किसको अफेक्ट कर रहा है और डायरेक्शन भी बताते हैं ठीक है लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद दियर लेवल ऑफ एफिशंसी इसमें हम बता रहे हैं कि हमारा ताल्लुक पॉजिटिव है या नेगेटिव है अब बात करते हैं रोल ऑफ द हाइपोथेसिस की रोल क्या है इट गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी लाइक थेरी ये भी हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इट आइडेंटिफाइज फैक्ट्स दैट आर रेलिवेंट एंड दोज आर नॉट ये बता देता है कि हमें कौन सी चीज़ों को बाकायदा तौर पर स्टडी करना है किस किस चीज किन चीज़ों को इग्नोर करना है इट्स इट्स सजेस्ट विच फ्राम विच फॉर्म ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज लाइकली टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा रिसर्च मैथड सबसे सही रहेगा इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंक्लूजन ऑफ द फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स को भी ड्रॉ करने में हेल्प करता है करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हाइपोथिस की हाइपोथिस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेपचली कि समझ आ सके शुड हैव एम्पेरिकल रेफरेंट रियलिटी में उसकी एग्जिस्टेंस होनी ज़रूरी है हाइपोथिस स्पेसिफिक हो ताकि हमें नैरोड विजन मिल सके जहाँ पर हमें काम करना है हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो कि रिसर्च की पॉजिटिव नई जो टेक्निक्स हैं उन वो उसको कर सकें हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ ऑफ़ कोर्स ये कुछ थेरी होनी चाहिए इसमें हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय थेराटिकल आर्ग्यूमेंट्स ठीक है कि हम रिसर्च वर्क भी कर सकें और ऐसी बात होनी चाहिए जिसको हम थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकें तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा इन्हीं क्वेश्चंस दे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़